राणा जी को बिग सैल्यूट। आज हमारी टीम को हमारे महानायक बैठे हुए यादव जी सुरेंद्र और एक बढ़ती ताकत मध्य प्रदेश की, और आज जो है भारत सरकार के दो दो केंद्रीय मंत्री, यूं से आपने जो है अर्धसैनिक बलों नॉट ओनली मध्य प्रदेश बल्कि आपने तेलंगाना और आंध्रा की बात की, उत्तराखंड की बात करी है। हाँ यस, जी किशन रेड्डी आए तो वो साउथ की बात हुई और हमने कहा कि सर वहाँ क्यों नहीं आए। राणा जी जो है आज दो दो मंत्रियों से आपकी बात हुई। जी किशन रेड्डी एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, आपके रक्षा राज्य मंत्री है, और ये इस आंदोलन की धमक है। ये ग्वालियर की जो नई लॉ जलाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा जी बैठे हैं, उनको बिग सैल्यूट कि उन्होंने जो करके दिखाया, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-7 साल में किसी ने किया। मीडिया के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से आए दिन ग्वालियर से पैरामिलिट्री की जो मसले बराबर ये निकलवाते रहे हैं, और इसलिए हमने जवान को जो है इसकी कमान दी और बढ़ती ताकत अब सरकार। और ये बड़ी बात है बिग सैल्यूट माननीय मंत्री को जिन्होंने आपकी बात को बहुत तवज्जो दिया, और वहां पे ये जिक्र हुआ कि उत्तराखंड में क्यों नहीं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हरियाणा की तर्ज पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा के हर गली मोहल्ले को हमने जगाया, सरकार तक बात पहुंचाई, और ये जो है अभी वो नारा राणा जी एक नया लेके आए जो हमारा मोटो वो बताएंगे। हमारी संस्था का मोटो है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आज माननीय मंत्रियों से जब मुलाकात हुई तो हमारे स्थानीय सांसद श्री विवेक नारायण सेजबलकर की वहां पे उपस्थिति थी, जिन्होंने अगस्त महीने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से हमारी मुलाकात कराई थी प्रतिनिधिमंडल की, और मंत्री उससे पहले भी हमारे जितने भी ज्ञापन है उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उन्होंने भेजा है अपने लेटर हेड के माध्यम से, और आज भी दोनों मंत्रियों को हमारी व्यथा सुनाई, और मंत्रियों ने उस बात से सहमति जताई कि ये हम लोग पहले भी मिल चुके हैं अजय भट्ट साहब से, आज हमारी तीसरी चौथी मुलाकात थी। किशन जी किशन रेड्डी साहब जब गृह राज्य मंत्री थे तब मुलाकात हमारे प्रतिनिधि मंडल की हुई है। स्थानीय सांसद का बड़ा भारी सहयोग रहा है और हमें भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपकी चर्चा करवाएंगे और आपकी जो मेमोरेंडम है उसको वहां भेजेंगे, और इसी आधार पे जैसा कि रणबीर सिंह साहब ने कहा कि हम जो है मध्य प्रदेश को हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जैसे रेड्डी साहब हैं, आप जो है हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं सुरेंद्र यादव साहब, बहुत बड़ी बात है जो कि पैरामिलिट्री के हक की लड़ाई श्री महासचिव श्री रणबीर सिंह ने रोड से लेकर सड़क से लेकर संसद और सिपाही से लेकर राष्ट्रपति तक जो है अपनी आवाज को उठाया, बुलंद किया, और ये वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जबकि पैरामिलिट्री के हकों की लड़ाई को स्वीकार किया जाएगा। और जो अपने श्री रणवीर सिंह साहब और जयेंद्र सिंह राणा और हमारे श्री एचआर सिंह डीजी, इन लोगों ने इस पैरामिलिट्री को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज तक ऐसा कोई भी एसोसिएशन या ऐसी कोई संस्था नहीं रही जिसने इतनी लड़ाई इतनी मुकम्मल तरीके से लड़ाई, और मध्य प्रदेश में जो कर दिखाया है, ग्वालियर में अपना एक हेल्प डेस्क बनवाई, एक डिस्पेंसरी खुलवाई, दूसरा हर जगह पर जहां देखो वहां पैरामिलिट्री का, टेकनपुर में 2 मीटिंग सफल मीटिंगें करवाई, उन मीटिंगों में पैरामिलिट्री एक्स महीनों की जो मांगे थी उनकी ही जो निलंबित काम पड़े हुए थे पेंशन से लेकर मेडिकल तक, तो उनको पूरा करवाया। हम जो है बहुत अच्छी बात कही हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव साहब ने, बहुत भरपूर मात्रा में इनका सहयोग रहता है जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे चेयरमैन साहब ने बार बार उनकी तारीफ की है एचआर सिंह साहब ने। हमारे पैनल में हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पैनल में सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं जो रिटायर्ड हैं आईजी रैंक से, श्री सुरेश शर्मा साहब,
और कितने सारे कमांडेंट डीआईजी आईजी मतलब 20 से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ आईजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं, खास करके रिटायरी के साथ साथ हम सर्विंग लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, मतलब सर्विंग ना जुड़ते हुए अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़िए, ताकि इस आंदोलन को नई दिशा दी जाए और बहुत मजबूती के साथ इसे लड़ा जाए। आपकी जानकारी के लिए और हम कह देना चाहते हैं कि संगठन में इतनी ताकत है, आज देखिए आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को मजबूर होके पुरानी पेंशन बहाली का विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी है, और उसी के तर्ज पर इलेक्शन हुआ भी उत्तर प्रदेश में, तीन तीन पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जागिए और हमारे साथ जुड़िए, कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री मार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आइए, जुड़िए, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं और आपकी मांगों को पूरा करने की जिम्मेवारी हम उठा रहे हैं, आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात है। आप सोते सोते अगर अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं तो जो संभव नहीं है आपको ग्राउंड में आना ही होगा। आप आइए, सर्विस में है तो कोई बात नहीं, अपने परिवार के सदस्य को भेजिए, जो रिटायरी है वो स्वयं चल के आए तो राणा जी आपका कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी पेंशन बहाली है अर्धसैनिक बलों की, वो सरकार के गले की हड्डी बन सकती है 2024 के इलेक्शन में? बिल्कुल बन सकती है, इसलिए इस मूवमेंट को आगे ले जाया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने बड़ी, और हम इसको सफल करके ही मानेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे हमारे कदम, लेकिन हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। आप खुद जागिए और 4 लोगों को 5 लोगों को 10 लोगों को जगाइए और इस मैसेज को जो है पूरे इंडिया में फैलाया जाए, ताकि ये हर पैरामिलिट्री के लाखों परिवारों तक ये मैसेज पहुंचे। राणा जी की आवाज, सुरेंद्र जी की आवाज, रणबीर जी की आवाज पूरे देश में जाए, और एडीजी एचआर सिंह को भी, चेयरमैन साहब को भी सलाम। थैंक यू सो मच।